हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपन ऑर्डर फ्लो के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है, कैसे वर्क होता है। ठीक है, तो आपके सामने मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें आपको ऑर्डर फ्लो के जितने भी पैटर्न है, जितने भी तरीके हैं ट्रेड करने के, वो सारे के सारे बताऊंगा। एंड कुछ वो ट्रेड्स बताऊंगा जो लाइव मार्केट में मैं फॉलो करता हूँ एंड जिनको आप भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर फ्लो क्या होता है, बहुत इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ कि जितने भी आप मार्केट में हाई एंड लो मार्क करते हैं, मैं इंटरनल की बात नहीं कर रहा, मैं जितने भी एक्सटर्नली आप डायरेक्ट हायर हाई एंड हायर लो मार्क करते हैं, मैं उसमें ऐसे नहीं बोलना चाहता आपको कि लोअर हाई या हायर लो या लोअर लो, नहीं। आपको डायरेक्टली सिर्फ दो तरीके से मार्किंग करनी है। ठीक है, फर्स्ट जो अपर होता है उसको अपन बोलते हैं हायर हाई। ठीक है, एंड जो यहाँ डाउन पॉइंट बनता है उसको अपन नाम देते हैं लोअर लो। ठीक है, अपन लोअर लो उसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट इस हाई वाले एरिया को ब्रेक करता है तो इसको अपन बोलते हैं क्या कि मार्केट ने यहाँ पे हाई ब्रेक किया है अपना। ठीक है, तो मार्केट जब भी हाई करेगा तो हाई ब्रेक करने के बाद क्या होगा, मार्केट क्या करेगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट अब डायरेक्शन में जाता है कुछ इस तरीके से। एंड मार्केट क्या होता है, जनरली करेक्शन करने के लिए डाउन जरूर आता है। अब मार्केट चाहे छोटा सा करेक्शन करे कुछ इस तरीके से एंड देन यहाँ से अब चले जाए, या हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक करेक्शन करे एंड देन अब चले जाए। डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरीके से करेक्शन करना पसंद करता है एंड किस पोजिशन पे कैसे करेगा, ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको सारी चीजें समझनी होगी कि किस किस जगह पे मार्केट अपना करेक्शन करता है एंड किस पॉइंट को अपना करेक्शन पॉइंट बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट डाउन आया एंड इस पॉइंट को मार्केट ने अपना लो क्रिएट किया एंड इस वाले पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक किया। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद क्या होता है कि जो ये लो वाला पॉइंट है, जो सबसे नीचे लो पॉइंट है, ये आपका यहाँ पे क्या होता है, एज ए लोअर लो बन जाता है। ठीक है, एंड जब मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक कर देता है, ये जो हाई है इसको ब्रेक कर देता है, ये क्या होता है कि जो हाई आपका ब्रेक हुआ है, ठीक है, जो हाई मार्केट ने ब्रेक किया है, ये हाई आपका हायर हाई में तब्दील हो जाता है, यानी हायर हाई बन जाता है। हायर हाई बनने के बाद क्या होता है कि आपके पास ये एक लो पॉइंट आ गया मार्केट का। ठीक है, कि मार्केट ने क्या किया, रिसेंट वाला लो बन जाता है आपका ये। ठीक है, जैसे ही इसको मार्केट ने हाई को ब्रेक किया, यहाँ कैंडल क्लोज होना नेसेसरी है, तो ये आपका लोअर लो बन चुका है। ठीक है, तो इस तरह से जितनी भी सारी चीजें आप उनको डिफाइन करेंगे, हायर हाई एंड हायर लो मार्क करेंगे अच्छे से। ठीक है, ताकि अगर आप हायर हाई हायर लो मार्क कर लेते हैं तो उससे इजी वे में आप कंसीडर कर पाएंगे सारी चीजों को एंड प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे कि कौन सी चीज किस फ्रेमवर्क में कैसे वर्क कर रही है। सपोज करिए ये यहाँ पे मार्केट ने लो बनाया, लो बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, इस हाई को ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही इस हाई को मार्केट ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो हायर हाई बनने के बाद क्या होगा, आपको सबसे पहले लो डिफाइन करना है। तो लो आपने पकड़ लिया कि मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे कैंडल क्लोज की, अपना लोअर लो कन्फर्म हो गया। ठीक है, लोअर लो कन्फर्म होने के बाद क्या होगा कि आपका जो हायर हाई पॉइंट है वो भी कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये वाला हायर हाई पॉइंट भी कंफर्म हो चुका है, राइट। अब जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया, रीसेंट वाला लो पॉइंट बन गया, जो कि आपका आइडियल कंसीडर किया जाता है। अगर आप लोग आइडियल नहीं जानते हैं तो आप यूट्यूब पे जाइए, मेरे कुछ पुराने वीडियो देखिए, उसमें आपको आइडियल की सारी डिटेल एंड सारी चीजें मिल जाएगी कि आइडियल क्या होता है, आईडीएम कैसे वर्क करता है, आईडीएम पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वो सारी चीज। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा आपका। अब इसमें आपको पहचानना है कि ऑर्डर फ्लो क्या है एंड ऑर्डर फ्लो कैसे वर्क करता है। तो ऑर्डर फ्लो जो आपका हाई पॉइंट होता है, इस हाई पॉइंट से लेकर इस लो पॉइंट के बीच का जो ये एरिया है, इस पूरे एरिया को ऑर्डर फ्लो बोला जाता है। ठीक है, ओएफ शॉर्ट में ऑर्डर फ्लो, तो इस एरिया को ऑर्डर फ्लो बोला जाता है। ठीक है, अब ये ऑर्डर फ्लो कब यूज होगा, जब भी आपका मार्केट इसको टैप ना करे या ये अनमिटिगेट हो, उस टाइम पे ज्यादा वर्क करेगा। अब मिटिगेट अनमिटिगेट क्या होता है ये भी समझा देता हूं। जब कभी भी आपका मार्केट इस ऑर्डर फ्लो में, सपोज करिए यहाँ पे मार्केट आता है ऑर्डर फ्लो में,
एंड ये कुछ इस तरीके से इसकी लिक्विडिटी लेके अब चले जाता है मार्केट, ठीक है। तो ये ऑर्डर फ्लो आपका टैप हो चुका है यहाँ पे, यानी कि ऑर्डर फ्लो वाले एरिया को मार्केट ने टच किया एंड मार्केट यहाँ से अब जा चुका है, ठीक है। या अगर मार्केट बाई में है, यहाँ पे सेल के लिए डाउन आता है, तो इस ऑर्डर फ्लो से आप क्या कर सकते हैं, इस ऑर्डर फ्लो हाई रेंज से लेकर लोअर रेंज में आप डायरेक्टली एंट्री फ्लोट कर सकते हैं, ठीक है। कहां तक, फर्स्ट हाई तक आप एंट्री ले सकते हैं। अगर आप और ज्यादा कंफर्मेशन लेना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना होगा, ठीक है। इसके अंदर आपको एफवीजी फाइंड आउट करना होगा, जिसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। इसके अंदर आपको लिक्विडिटी फाइंड आउट करनी होगी। इस तरीके से काफी अलग अलग फिल्ट्रेशन आप करते हैं तो आपको एक परफेक्ट एंड एक्यूरेट एंट्री मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप डायरेक्ट एंट्री लेना पसंद करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक पे लेंगे, लिक्विडिटी पे लेंगे, या फिर फेयर वैल्यू गैप यानी एफवीजी पे लेंगे। आपके ऊपर डिपेंड है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आप 4 से 5 तरीके से एंट्री ले सकते हैं। डायरेक्ट एंट्री ले लीजिए, या जो 3 तरीके मैंने बताए इस तरीके से एंट्री ले लीजिए, या मार्केट आपका इस जोन में आता है तो आप कैंडल स्टिक या प्राइस एक्शन से भी एंट्रीज प्लान कर सकते हैं। ये सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंट्री, ठीक है। अब सपोज करिए मार्केट इसको लेके चले जाता है, ठीक है, किसको, ऑर्डर फ्लो को, यहां से मार्केट टैप करता है एंड इसको लेके चलेगा। तो क्या ये ऑर्डर फ्लो नेक्स्ट टाइम वर्क करेगा? यस, डेफिनेटली वर्क करेगा, अगर इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक विथ एफवीजी पेंडिंग होगा तो। बट ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। 70-80 का रेशो आपका वर्क करेगा, कि 70-80% के केस में क्या होगा कि यहाँ पे आपको एंट्री अच्छी मिलेगी, कभी कभी ये लॉस भी दे सकता है, बट जो अनमिटिगेटेड है उन पे वर्क करेगा। सपोज करिए आपके पास में ये ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड है, यानी कि इसको मार्केट ने टच नहीं किया है, ये बिल्कुल फ्रेश ऑर्डर फ्लो है आपका, ठीक है। एंड सेकंड फ्रेश ऑर्डर फ्लो ये बचा हुआ है आपके पास, ठीक है। मैं कुछ इस तरीके से इनको ड्रॉ कर देता हूँ, इजीली समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। एंड नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो बचा हुआ है ये आपके पास। तो अब आपका कंसर्न ये होना चाहिए कि इसमें से सबसे अच्छा ऑर्डर फ्लो कौन सा है, कौन सा वर्क करेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका करंट जहां पे मार्केट रन हो रहा है, जैसे सपोज करिए आपका मार्केट यहाँ पे रनिंग में है, करंट पोजीशन ये है आपके मार्केट, ठीक है। तो आपके मार्केट ने क्या किया, इस वाले लो को क्रिएट किया एंड इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये आपका एक ऑर्डर फ्लो बन चुका है। इस ऑर्डर फ्लो को क्या करेगा, मार्केट डाउन आएगा, ऑर्डर ब्लॉक को लेगा एंड बाई जा सकता है। तो एक तो आपका रीसेंट वाला ऑर्डर फ्लो वर्क करेगा विथ ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो एक तो आपका रीसेंट वाला जो होगा, रीसेंट वाला आपका ऑर्डर फ्लो होगा ये वर्क करेगा, एंड ये जो सबसे एंड में होगा ये वर्क करेगा। इसके अलावा जहां पे भी आपका चौक होगा, यानी चेंज ऑफ स्ट्रक्चर लास्ट एरिया ऑफ बाइंग का, कि जहां से लास्ट बाइंग आप देख सकते हैं, अगर मार्केट बाई जा रहा है, अगर मार्केट सेल जा रहा है, सेम सिचुएशन में आप देख सकते हैं। तो ये आपका एक एरिया ऐसा होगा जहां पे ये चीज आप फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ चीजें समझाई, इन चीजों के बिहाफ पे आप ट्रेड करिएगा, ठीक है। कुछ एंट्रीज के बारे में मैं बात करूंगा, लाइव मार्केट के बारे में बात करूंगा। उससे पहले अपन थोड़ा सा सेल्स में देख लेते हैं कि सेल्स में चीज कैसे वर्क करेगी। तो सेल्स में क्या होगा, थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, बाकी सारे पैटर्न सारी चीजें सेम रहेगी, बाकी उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा कि ये होगा, ये आपका बन जाएगा लोअर लो, ठीक है, ये आपका लोअर लो और ये हायर हाई। अब आप बोलोगे ऐसा तो होता नहीं है, ये तो आप बोलते कि हायर लो लोअर हाई, मैं इस तरीके से मार्किंग नहीं करता, आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। वो इंटरनल के हिसाब से आप चलिएगा, मैं एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ अभी, सिर्फ एक्सटर्नल पे आपको ज्यादा फोकस करना है इसके लिए। इंटरनल में करोगे तो आप फिर भी एंट्री ले पाओगे, बट एक्सटर्नल में आपको फोकस करना है। तो रीसेंट वाला क्या होगा कि जो भी आपका ऑर्डर फ्लो होगा सेम उसी तरीके से आपको मार्किंग करनी है। सपोज करिए यहाँ पे ये ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो चुका है, देन आप इस पे कैसे ट्रेड लेंगे थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे मार्केट कुछ इस तरीके से करता है, सपोज करिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे जाता है,
कुछ एंट्री बनाता है एंड हल्का सा ये देता है आपको, देन मार्केट यहाँ चले जाता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए माइंड में कि यहाँ से क्यों रिवर्स हुआ। देखो इसके दो लॉजिक है, मैं दोनों समझा देता हूँ। पहली चीज ये कि आपको मेजर एंड माइनर लिक्विडिटी फाइंड आउट करना आना चाहिए कि यहाँ पे कोई ना कोई मेजर एंड माइनर लिक्विडिटी आपको जरूर मिलेगी जिसपे मार्केट बार बार जाने का ट्राई किया होगा लेकिन जा नहीं पाया, तो वहां से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है। ठीक है, ये अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीज समझ में आएगी। मैं चार्ट पे भी आपको कुछ चीजें भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा अब आपको मैं चार्ट पे शो कर देता हूँ कि चार्ट पे ये चीज कैसे वर्क करती है एंड किन चीजों को आप किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ताकि सारी चीजें आपको इजी टू यूज हो, आप अच्छे से समझ सकें और सारी चीजों को अपन वन बाय वन समझते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन चार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये आपका चार्ट है। ठीक है, इस चार्ट के अंदर मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं जो आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। पहली चीज ये कि मार्केट ने लास्ट टाइम आईडीएम ही लिया था, आईडीएम को लेने के बाद यहां से यहां तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये मैंने लिक्विडिटी एरिया बना रखा है, ये देखिए, वरना आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो चुका है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि इसमें ऑर्डर फ्लो कहाँ पे है, तो ऑर्डर फ्लो लेने के लिए ये टॉप वाला पॉइंट है और ये लो वाला पॉइंट है। ये मेरा जो रेड मार्किंग है ये मेरा ऑर्डर फ्लो है, इसके अंदर मैंने इंटरनल मार्किंग की हुई है ये। ठीक है, अभी सिर्फ आपको टॉप प्रीफर कर रहा हूं मैं, जो हायर हाई हायर लो है उसमें आपको मार्किंग करना है, देन इंटरनल में आपको कुछ टाइम बाद स्विच होना है जब आपको मार्किंग अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये जो लेवल है ये वाला लेवल, ये आपका बहुत ज्यादा वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि ये इस एरिया पे है कि अगर आप इस चीज को एनालाइज करेंगे तो ये आपका सपोर्ट बिकम रजिस्ट्रेशन रजिस्टेंस भी काम करेगा, कहीं से ब्रेकर ब्लॉक भी बोलते हैं, कोई बाई साइड ब्रेकर ब्लॉक बोलता है, कोई सेल साइड बोलता है, डिपेंड करता है किस चीज को कहाँ से पढ़ रहे हैं, कौन किस तरीके से पढ़ा रहा है। बट ये मैं एक नॉर्मल लेवल की बात करूँ तो SNR काम करेगा, सपोर्ट बिकम रजिस्टेंस है, सपोर्ट रजिस्टेंस जो आप कहना चाहें। तो ये एरिया का आपका जो है वर्क करने का जो प्रोबेबिलिटी वो थोड़ा ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये एरिया हुए। उसके बाद नेक्स्ट एरिया की बात करूँ तो इस एरिया पे भी मार्केट नहीं आया। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता आईडीएम लेता है, तो आईडीएम लेने के बाद क्या होता है, जनरली ये मेरा जो टॉप पॉइंट है ये मेरा कंफर्म हो जाता है एज ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के तौर पे कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो मेरा मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, एंड देन मेरा मार्केट यहाँ से अगर नीचे जाता है ये स्लो पॉइंट से, तो मैं यहाँ से एज ए सपोर्ट लेने के बाद, जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आया एंड देन मार्केट ने कुछ इस तरीके से किया, तो मैं यहाँ पे इसको सेल साइड की तरफ ले करूंगा, तो जो भी यहाँ पे नेक्स्ट टाइम ऑर्डर ब्लॉक, ये मेरा ऑर्डर फ्लो हो गया। ठीक है, हाई और लो वाला, एंड इस ऑर्डर फ्लो के अंदर कोई भी अगर मेरा ऑर्डर ब्लॉक होगा तो वहां से मैं रीसेल का ट्राई करूंगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने एक सेल तो यहां से दे दिया है एंड मैं इस रीसेलिंग के लिए वेट करूंगा, तो क्योंकि अच्छे से और कंफर्मेशन एक एंट्री आपको मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज अब मैं बात करता हूँ कि एंट्रीज आपको कैसे प्लान करनी है। तो आपको जो रिसेंट वाले मार्केट में जो चीजें चल रही उसी पे एनालिसिस करना है। ये एंट्री मैंने ग्रुप में दी थी आज की, क्यों दी थी, इसके दो रीजन है। जब कैंडल यहाँ खत्म हो चुकी थी एंड नेक्स्ट कैंडल बनने वाली थी, तो पहली चीज तो ये लो कैंडल है, मार्केट यहां तक आया उसका रीजन यही है कि मार्केट तक यहां तक आने का प्लान कर रहा था, बट मार्केट मेकर्स ने इसको यहीं से मूव ऑन कर दिया है। देन मार्केट यहाँ पे फिर से आया, मार्केट इस लेवल को इक्वली बना चुका था, लेकिन मार्केट मेकर्स ने फिर से बाई साइड इसको लेके चले गए। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन थर्ड टाइम जब यहाँ पे मार्केट आया तो मेरा कंसिडरेशन ये था कि डेफिनेटली जब इसको मार्केट ब्रेक करेगा तो यहां से यहां तक सेल लिया जा सकता है एंड अगेन यहां से लास्ट बाइंग का चांस पकड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये चौक पॉइंट है, लास्ट एरिया ऑफ बाइंग का है। अगर लास्ट एरिया ऑफ बाइंग पे अगर आप बाई नहीं कर पा रहे हो तो देन आप किसी भी एरिया पे फिर बाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ से मार्केट सेल की तरफ स्टार्ट हो जाएगा और सेल में कहाँ तक जाएगा, हो सकता है यहीं तक मार्केट आए। मैं आपको बता देता हूँ, हो तक
हो सकता है कि इस सिनेरियो तक मार्केट आए एंड यहीं से पूरा बाइंग मूव दे दे, ये भी हो सकता है। हो सकता है मार्केट यहां तक आए यहीं से पूरा बाइंग मूव दे दे, हो सकता है यहाँ पे बाइंग मूव दे दे। तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा कौन सी चीज कैसे एंड किस टाइम फ्रेम पे वर्क करेगी। अगर आप ये कंसीडर कर पा रहे हैं देन ग्रेट, आप सारी ट्रेड को अच्छे से एंड प्रॉपर तरीके से रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर फ्लो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए एंड ऑर्डर फ्लो पे आपको ट्रेड लेना आना चाहिए। तो ऑर्डर फ्लो एक कुछ मार्किंग किए हुए मैंने, मैं जो पुराने ये भी दिखा देता हूँ। तो इन सारे ऑर्डर फ्लो पे आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी जो भी एंट्रीज मैं आपको बता रहा हूँ उसी पे बेस्ड है। जैसे ये कुछ ऑर्डर फ्लोज मैंने ऑलरेडी मार्क किए हुए कहाँ पे क्या चीज है, ये सारे के सारे जो चीजें हैं आप मेरे टेलीग्राम पे भी जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। अब देखिए इंटरनल बाइंग एरिया रिस्की एंट्री है ये। क्यों एंट्री है? क्योंकि इंटरनल का एरिया इस सिंगल कैंडल के अंदर सारा गेम चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत रिस्की एंट्री है, ठीक है। बट मेरा प्रेफरेंस इसको नहीं है अभी। ये देखिए इस स्टॉप हाई से लेकर इस लो के बीच का जो एरिया है, एक तो ये है एंड ये चौक है यहाँ पे, यानी कि लास्ट स्टॉप बाइंग एरिया है। तो प्रोबेबिलिटी गेम की अगर अपन बात करें तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे अपन एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। एक ये एरिया हो चुका है आपका। अगर लास्ट बात करें तो ये जो एरिया आपका बचा हुआ है, इस एरिया की लिक्विडिटी लेके मार्केट जा सकता है, जो कि ये चौक लेवल की लिक्विडिटी है। अगर कभी चौक लेवल की लिक्विडिटी लेके जाता तो ये एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है जो कि सेलिंग एरिया में है, बट मार्केट इसको भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे चौक फ्लिप एंट्री दिखा के ले सकता है। अब जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ आपको अगर समझ में नहीं आते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप जाके ज्वाइन करिए, सारी चीजों को आप समझिए वन बाय वन करके। जहां समझ में ना आए, टेलीग्राम फॉर पब्लिक लिए, आप कोई भी वहां पे अपना कमेंट कर सकते हैं, कुछ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, कुछ चैट को लेकर डिस्कशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो सारी चीजें फाइंड आउट करनी है एंड यहाँ पे आपको एंट्री एंड एग्जिट्स वगैरह प्लान करने हैं, ठीक है। अब जैसे ये एरिया मैंने बनाया था ऑर्डर फ्लो का, तो यहाँ से एक एंट्री आपको मिल चुकी है ये कुछ इस तरीके से। अब ये यहाँ पे मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली एंड ये हाई यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट की, तो ये जो एरिया है इस एरिया पे आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि वैलिड पुल बैक क्या होता है, जो सिंगल कैंडल की लिक्विडिटी लेते हैं उसको पुल बैक्स में काउंट किया जाता है एंड ये भी एक तरीके का आप कह सकते हैं बहुत अच्छा एंट्री पैटर्न होता है, तो पुल बैक का भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो पुल बैक्स जो होते हैं बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, आपको ट्रेड करना आता है। तो ये पुल बैक का एरिया है जहां से मार्केट रिवर्स हुआ था, ठीक है। तो आई होप आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, देन मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।